गणपति बप्पा मोरया। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं संडे से, जब हम गणपति बप्पा की मूर्ति की बुकिंग करने के लिए मार्केट गए थे। तो इन सब में से हमने फाइनल करी है ये वाली, ये ओके भैया। सो फाइनली हमने अपने गणपति बप्पा फाइनल कर लिए हैं और वो हमारे घर में आएंगे परसों यानी कि ट्यूसडे को, वहीं कहीं है। चलो अब चलते हैं घर। तो स्वागत की सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और अभी थोड़ा सा डेकोरेशन और बचा है तो हम वो निपटा रहे हैं और फिर ये तो देख ही लिया। सो गाइस 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 देखो ये है हमारा फाइनल आउटपुट। बस हमने कर दिया अपना डेकोरेशन लगभग कंप्लीट। तो डेकोरेशन कंप्लीट, अब होगी पापा की एंट्री। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। पधारिए पधारिए, आज इनका गेटअप अलग ही है। देखो बिल्कुल ये मराठी बनी। जय गणपति बप्पा। गुड मॉर्निंग और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयां। हम तैयार हो चुके हैं और मेरे लग रहा टीका। खुश रहे। लास्ट मिनट प्रिपरेशंस चल रही है, दिए को पुताई चल रही है, दिए को पुताई। क्या कर रहे हो आप? ओह दीदी बन रही है। तो यहाँ दिए की पुताई चल रही है, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, बाकी सारा सज धज गया है। हम लोग रेडी हैं एकदम। इसके बाद हम जा रहे हैं बप्पा को लेने। यहाँ पे बप्पा आएंगे रहेंगे अभी। सिर्फ गणेश जी की कमी यहाँ पर, बाकी सब सेट हो चुका है। अब फाइनल लुक दिखाएंगे पापा के आने के बाद। तो हम लोग रेडी हैं पापा को लेने जाने के लिए। ये है रेड कपड़ा जिसे ढक के पापा को हम घर लेकर के आएंगे। सब कुछ सेट हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं गणेश जी को लेने, पापा को लेने। तो हम पहुंच गए हैं गणपति लेने और ये देखो नज़ारा इधर का। अभी तो पेंट नहीं हुआ, बताओ 33 नंबर। सो एडवांस में बुकिंग करने के बाद भी हमारी मूर्ति रेडी नहीं थी। सिर्फ हमारी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की मूर्तियाँ रेडी नहीं थी। सभी लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे क्योंकि सब लोग तैयारी से आए थे पप्पा को लेने के लिए, लेकिन उनकी मूर्तियाँ तैयार नहीं थी। ये रहे हमारे पप्पा जो हम फाइनल करके गए थे और वो एज इट इज़ है। दोस्तों बवाल हो रखा है, किसी ने मूर्ति कंप्लीट ही नहीं करी है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद एक भैया मिले जिन्होंने हमारी मूर्ति पे काम करना शुरू किया, उसे रंगना शुरू किया और रंगते रंगते देखिए मूर्ति का फाइनल आउटपुट उन्होंने कैसा दिया था। जो गणपति की आईज़ बनाई इन्होंने वो इतनी ज़्यादा क्रूर बना दी थी कि ऐसा लग रहा था कि पप्पा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज किया, पप्पा की नई मूर्ति देखी जिसमें सिर्फ ऑर्नामेंट्स का काम बचा हुआ था और उनकी आईज़ बची हुई थी। बस अपना काम स्वयं करो। पापा चाहते थे कि मैं ही करूं उनका फाइनल टच। वो कहते हैं ना कि आप बप्पा को चुनते नहीं हो, बप्पा आपको खुद चुनते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो फाइनली हमारे गणपति हो गए हैं रेडी। चलो थैंक यू भैया।
गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। क्या बनाओ? अखंड ज्योति चलो। अब ये अच्छा मैं ही करूंगा। अरे ये बाएं से दाएं में जाती है ना जनियो, जनियो बाएं से दाएं में। पहनी होगी ना, मैं तो पहनना पड़ता हूँ। पहनी ऐसा क्या होगा? कभी होगा भी होगा ना। तो हमारे बप्पा विराजमान हो चुके हैं, अब उनकी सेवाएं चल रही हैं। क्या लाना? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है ये। तो आज का भोग है पप्पा के लिए, आलू बड़े पूरी पानी एंड मीठे में मोदक। तो मैं आ गया था ऑफिस, अब मैं जा रहा हूँ वापस घर, फिर लगाएंगे पप्पा को भोग शाम का। तो शाम का भोग तैयार है। शाम के भोग में है, ये पकड़ो, ये पानी है, ये है खीर, बूंदी, कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी वाली, और पप्पा के लिए पूरियाँ।
तो गणेश भगवान जी को हमने भोग लगा दिया है, तो अब हम खाना खाते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।